रुख करते हैं अगली खबर का, जो कि राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। माइग्रेट हो चुके 3000 फ्रंटलाइन वर्कर, अब जहां है वहीं पर लगवा सकेंगे टीका। माइग्रेट होने वालों में पुलिस समेत बटालियनों के वर्कर्स शामिल हैं। खबर हम आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां पर माइग्रेट हो चुके 3000 फ्रंटलाइन वर्कर, अब जहां है वहीं पर लगवा सकेंगे टीका। माइग्रेट होने वालों में पुलिस समेत बटालियनों के वर्कर्स शामिल हैं। लगातार वैभव हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव, माइग्रेट हो चुके 3000 फ्रंट लाइन वर्कर्स में से अगर देखा जाए, अब जानकारी के अनुसार ये सुनने में आ रहा है कि जहां है वह वहीं पर अपना टीका लगवा सकेंगे और इसी के साथ पुलिस समेत बटालियनों के वर्कर्स इसमें शामिल है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है जो माइग्रेट हो चुके हैं 3000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स, क्योंकि कोरोना टीकाकरण का शिवानी दूसरा फेज चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है, लेकिन खबर ये भी है कि बड़ी संख्या में जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, जो कि रजिस्टर हैं, वो टीका लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जब जांच पड़ताल की गई, कोशिश की गई कि आखिरकार क्यों ये वेरुकी है फ्रंटलाइन वर्कर्स के बीच में, तब इस बात की जानकारी सामने आई कि कई 3000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर ऐसे हैं जो कि माइग्रेट हो चुके हैं। माइग्रेट होने का मतलब होता है शिवानी कि जब उन्होंने रजिस्टर्ड कराया था, जब वो फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो अब उनका कई लोगों का ट्रांसफर हो चुका है, कई लोग एक शहर से दूसरे शहर पहुंच चुके हैं। वहीं हम पुलिस बल की बात की जाए तो पुलिस बल की जो कंपनियां होती हैं वो दूसरे शहरों में चली गई हैं। तो अब स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सुविधा दी जा रही है कि कोविन पेट जो पोर्टल है, जिसमें जो रजिस्टर्ड हितग्राही हैं जो कि माइग्रेट हो चुके हैं, वो जिस भी शहर में रहेंगे उस शहर में कोविन पोर्टल से उनके पास जो मैसेज पहुंचा होगा कोविड टीकाकरण अभियान को लेकर, उस मैसेज को दिखाकर वो वहां पर भी अपना टीका लगवा सकते हैं। तो सरकार के द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर को ये छूट दी जा रही है, एक तरह से कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर भी है कि अब माइग्रेंट हो चुके वर्कर को कोरोना टीकाकरण के लिए उस शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा जहां उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, क्योंकि कोविन पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड हितग्राही हैं उनको स्वास्थ्य विभाग के द्वारा फोन किया जा रहा है, उससे कहा जा रहा है कि आप अब तक टीका लगवाने के लिए क्यों नहीं आए, इसका कारण क्या है। तो वर्कर्स का यही कहना है कि अब हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच चुके हैं, ऐसे में टीका लगवाने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कई बार साधन भी नहीं मिलते और अभी भी कोरोना के प्रतिदिन मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में सार्वजनिक परिवहन का जो इस्तेमाल करने से फ्रंटलाइन वर्कर भी डर रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ ये सुविधा दी गई है कि फ्रंटलाइन 3000 फ्रंटलाइन वर्कर जो कि माइग्रेट हो चुके हैं, अब वो जहां है वहीं पर कोरोना का टीका लगवा सकेंगे। बिल्कुल वैभव, बने रहिएगा हमारे साथ। माइग्रेट हो चुके 3000 फ्रंटलाइन वर्कर अब जहां है वहीं पर टीका लगा सकेंगे, यानी कि जो लोग जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, अब वो अगर दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गए हैं तो वो वहां पर भी अपना टीका लगवा सकते हैं।